तो ही नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए और एक्साइटिंग वीडियो में। गाइस आज आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैं सामने नहीं आ रहा हूँ। एक्चुअली क्या आज मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ, आज केमिस्ट्री प्रैक्टिकल था वो खत्म हुआ और मैं आज ही मैंने इस पार्सल रिसीव किया। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नियो 6M का GPS मॉड्यूल है। अब आप लोगों को YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से दिखा रहे होंगे कैसे आप इसे टेस्ट कर सकते हो, बट मैं आज आपको अलग अलग आपको बहुत सारे कोड्स डालने के लिए बोलेंगे कि आप बहुत सारे कोड्स डालोगे तब जाके ये काम करेगा, या फिर अगर आपके पास ये फर्स्ट है और आप टेस्ट करना चाहते हो कि हाँ मेरे पास जो GPS मॉड्यूल है वो काम करता है कि नहीं करता है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका ये प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता। मैं सभी कोड्स बताने वाला, सिंपल कोड्स है, आपको कोई कोड का जरूरत नहीं है इस GPS मॉड्यूल को रन करने के लिए नियो 6M को, क्योंकि ये वैसे क्योंकि यहाँ पे TX और RS से मतलब जो ट्रांसमिट और रिसीव के उससे फंक्शन करता है डायरेक्टली आपके Arduino से कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो मतलब सेटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट से मैं आपको कोडिंग दिखा देता हूँ, कैसे वायरिंग कनेक्शन करना है वो भी दिखा देता हूँ सिंपल से। आप इसे टेस्ट FTDI अडेप्टर से भी कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास USB to serial अडेप्टर है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग मैं बेसिक ज़्यादातर लोगों के पास Arduino होता है तो आप लोग Arduino का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक Arduino बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ और सब कनेक्शन में आपको अभी फटाफट दिखा देता हूँ। 5 वोल्ट में काम करता है, मतलब या VCC इन, मतलब आपको 5 वोल्ट का इनपुट देना है। फिर अगर मैं दिखा दूँ अच्छे से फोकस करके, अगर हाँ RX से RX में लगाना है, TX से TX में और ग्राउंड, तो आपको 5 वोल्ट, अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा दोगे तो ये जल जाएगा, तो 5 वोल्ट से ज़्यादा आपको नहीं देना है, मिनिमम 5 वोल्ट चाहिए। और मिनिमम 3 वोल्ट भी आप चला सकते हो, मैंने 3 वोल्ट से ट्राई नहीं किया बट 3 वोल्ट से चला सकते हो। और जब मैंने इसे रिसीव किया, ये कुछ अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में आता है, तो मैंने इसे हॉट ग्लू गन से यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि ये कॉम्पैक्ट हो जाए। तो फटाफट से मैं सब कनेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ जंपर वायर्स का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ग्रीन और वाइट है, मैं इसे TX और RX के लिए यूज़ करूँगा और रेड और ब्लैक एज अ पावर के लिए काम करेगा। तो कनेक्शन फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो आप, जैसे कि जब आप मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और जैसे कि मैं अपना Arduino को नॉर्मली खोलता हूँ, अगर आप नॉर्मली जब अपना Arduino का जो सॉफ्टवेयर उसे खोलोगे खुल जा। सो गाइस जैसे कि आप लोग जब नॉर्मली अपना Arduino सॉफ्टवेयर खोलोगे तभी आप लोगों को ये वाइट सेटअप का मिल जाएगा, लूप सेटअप, और ठीक है आपको वाइट सेटअप मिल जाएगा और वाइट लूप मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसी प्रोग्राम को डायरेक्टली अपलोड कर देना है अपने बोर्ड के ऊपर जो कि मेरे यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। RX को RX से और TX को TX से कनेक्ट करके रखो, लेकिन मैंने इसमें अभी तक पावर कनेक्ट नहीं किया है, देख सकते हो यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का कनेक्ट करूँगा, ठीक है। ये कोड जब अपलोड हो जाता है यहाँ पे, अगर देख पा रहे हो, अगर आप लोग देख सकते हो डन अपलोडिंग हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को ऑन करना है। सीरियल मॉनिटर को आपको 9600 बिट रेट में सेव सेट करके रखना है, और जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो 5 वोल्ट है, मैं इसे 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और आपका ये फंक्शन काम करना शुरू कर रहा है, देख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं बोल देता हूँ आपको, यहाँ पे जो आपको बिट रेट होना चाहिए वो 9600 होना चाहिए, ठीक है, मतलब 9600 बिट रेट में काम करता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 9600 बिट रेट को सिलेक्ट करना है और आपका टोटली आपका जो मतलब जो प्रोग्राम वो काम करने लगेगा।
ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे क्रिएट कर दें। और एक चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप लोग इसे पावर नहीं दोगे, ठीक है, पावर तब जब कोड अपलोड हो जाएगा उसके बाद इसको पावर देना है, ठीक है। आपका जो TX है ट्रांसमिट का वो वाला ब्लिंक करेगा और आपको यहाँ पे जितने भी जो आपका सेटेलाइट सिग्नल रिसीव कर रहे हैं वो सब यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। बस यही था आज का वीडियो कि कैसे आप अपने न्यू सिक्स एम को GPS मॉड्यूल को करके टेस्ट कर सकते हो सिंपल से आर्डिनो कोड के साथ। और बस इतने कुछ आपको बोलना है, अगर होप से अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे एंड कीप इनोवेटिंग न्यू थिंग्स स्टार्टअप।